गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आरके में आपका स्वागत है। सो फाइनली हम एक बार फिर से वेस्ट बंगाल आ चुके हैं और इस टाइम हम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में हैं। सो अगर मैं लास्ट टाइम भी वेस्ट बंगाल आया था जो कि मैं मायापुर इस्कॉन टेम्पल गया था, वहाँ का मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था। सो अगर आपको वाले वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो जा करके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अभी हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे हैं यहाँ पे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और अभी हम लोग देख सकते हैं सामने रेलवे क्वार्टर है। मैं यहाँ पे स्टे किया हूँ और अभी हमारे देख सकते हैं सभी हम लोगों ने बोलेरो बुक की है। हम लोग 4-5 लोग हैं सब फ्रेंड लोग के साथ। तो देख सकते हैं अभी थोड़ी देर निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी तो पूरी खुला है, बुक है। सो मिलते हैं आपसे, वीडियो में बने रहें। पहाड़ के लिए निकल चुके हैं और हमारे सारे फ्रेंड देखिए पीछे बैठे हैं, सवाल चुके हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। तो मिलते हैं आपसे अयोध्या की अयोध्या पहाड़ पर, सब वीडियो में बने रहें। थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से। सो सारे वाटरफॉल झरने भी हैं, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ का। मैं आपको ले चलूँगा, बहुत ही एक्साइटेड जगह है, पिकनिक स्पॉट है पूरा। सो आप बने रहें वीडियो में, मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा। ये हमारे कालीचरण जी हैं, ये हमारे साथ में ही हैं। ये हमारे गांडिया हैं, देखिए पीछे वो गांडिया हमारे आ रहे हैं। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, आप लोग बने रहें। सो गाइस देख सकते हैं कितना ही ज़िगज़ैग रोड है, थोड़ी सी चूक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ओह माय गॉड, व्हाट अ सीन।
ये अरे भाई साहब देखिए अभी आगे क्या मिलेगा आपको आगे क्या मिलेगा आगे कुछ मिला चल जाएगा ऊपर देखो ये यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप छत्रपति यार पहाड़ का देख सकते हैं पानी आ रहा है यहाँ पे गड्ढा गड्ढा किया हुआ है पानी। वाह यार बड़ा सीन अमेजिंग मजा आ गया मजा आ गया अभी नहीं है अभी पहाड़ और मजा आएगा अभी देखो यहाँ पे ओके देखो ओके एक्साइटेड हो गए सब लोग Oh my God! What a scene! What a scene! Wow, be yaar, beautiful. अब देखो, फिर देखो, अब देखो. So guys, देख सकते हैं zigzag road देख सकते हैं आप क्या ही zigzag. Oh my God! हमरा उठे दिए ना अपना. हाँ जाएगा, घूम जाएगा बिल्कुल zigzag, zigzag, woo. यहाँ से फोटो खींचना पड़ेगा खाने का टाइम खींचे क्या अभी खींच लेगा नीचे नीचे सो हे गाइस अभी हम लोग थोड़ी दूर चढ़े हैं चढ़ाई पे और देख सकते हैं आप व्यू यहाँ का इतना ही अमेजिंग है मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का व्यू तो देखिए आप हे गाइस हे गाइस अब आप देख लीजिए बस मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है वाओ गाइस अभी आपको मैंने थोड़ा सा व्यू दिखाया है आपको सच्चा मजा आ गया होगा ऐसा लग रहा है आपको यहाँ का नजारा जो मैंने अभी दिखाया आपको तो वीडियो में बने रहे अभी हम लोग अभी पहाड़ नहीं पहुँचे हैं अभी हम लोग रास्ते में ही अभी यहाँ से 10 किलोमीटर समथिंग बचा हुआ है सो बने रहे वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा तो बस आप बने रहें वीडियो में मजा आने वाला है आपको फुल टू मजा आने वाला है देखिए हम झालमुड़ी बना रहे हैं आप यहाँ आएंगे तो आपको भी लगाए हुए हैं वो देखिए स्टॉल लगाए हैं सब अपनी बाइक के साथ में रहते हैं तो देख सकते हैं आप सो गाइस झालमुड़ी बन चुकी है हम ये खाऊंगा देखूंगा क्या टेस्ट है मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि नहीं खाऊं क्योंकि ये लोग बंगाल के ही हैं तो इन लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है इसको इस झालमुड़ी क्या बोलते हैं इसको जो भी तो मैं तो खाऊंगा मेरे को खाना है मेरे को भूख भी बहुत तेज लग रही है सो ये लोग पता नहीं क्या खा रहे हैं सो गाइस देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट डैम अपर डैम आ चुके हैं अपर डैम लोअर डैम अभी लोअर डैम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है सो चलेंगे ये चलो माय गॉड व्हाट अ सीन सो देख सकते हैं आप गाइस अमेजिंग अमेजिंग सावधान गहरा पानी पानी में उतरना मना है अपर डैम ओके वाओ व्हाट अ सीन
गाइस, मजा तो आ ही रहा होगा आपको व्यू देख करके। मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है कसम से। सो, अभी आप लोगों ने अपर डैम देखा था, अब मैं आपको लोअर डैम दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं आप, काफ़ी नीचे है। तो जो हमारे ड्राइवर से उन्होंने बोला कि काफ़ी नीचे है, प्रॉब्लम हो सकती है गाड़ी जाके, तो इसलिए हम लोग ने स्किप किया वहाँ जाना। सो मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। यह है लोअर डैम, देख सकते हैं सामने, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। ऑसम है, ऑसम, सच ऑसम प्लेस। इतना पीसफुल है, इतना पीसफुल है कि अमेजिंग है। आई कांट एक्सप्लेन इट एवरीथिंग। देख सकते हैं यहाँ पे घर, देख सकते हैं छोटे छोटे से। यहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते होंगे ये सोच पाना अपने बस की बात नहीं है। देख सकते हैं यहाँ, अभी हम मार्बल लेक आ चुके हैं और थोड़ी दूर यहाँ से 1.5 किलोमीटर था, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं और आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का भी। सिर्फ मार्बल देखिए, मेरे पीछे पूरी मार्बल से, सब साइड से ओवरऑल पूरा मार्बल है। और यहाँ पे एक छोटी सी लेक बनी हुई है, मैं भी आपको एक्सप्लोर करता हूँ पूरा अच्छे से। और मैं यहाँ की हिस्ट्री की बात मैंने आपको नहीं बताई, सो मैं अभी हिस्ट्री की बात बताता हूँ। यहाँ पर सीता जी और श्री राम जी वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। सो जब सीता जी को यहाँ पर प्यास लगी थी तो श्री राम ने अपना तीर मार के पानी लेके आए थे। वो मतलब तीर उन्होंने मारा था, छेद किया था, जिससे वह पानी आया था। तो मेरे को हिस्ट्री के बारे में ऐसा ही कुछ पता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि उसी जो पानी निकला था उससे सीता जी ने प्यास बुझाई थी। तब से यहाँ पे सीता कुंड के ही नाम से बहुत फेमस है ये जगह भी। सो देख सकते हैं आप, अमेजिंग सा फैक्ट है, बहुत ही प्यारा। जब सीताराम और लक्ष्मण सब लोग यहाँ पे थे वनवास के दौरान। सो अभी हम यहाँ पे हैं, सो अच्छा लग रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ बैक से पूरा व्यू, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे अध्याय पढ़ा के, ऑसम एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। आप भी आइए, विजिट कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं पूरा नजारा यहाँ का, बहुत ही प्यारा है।
गाइस देख सकते हैं शॉप सब लकड़ी के हैं। कैप देखिए लकड़ी के लिए, गुल्लक है लकड़ी का, बहुत कुछ है यहाँ पे। कुछ भी लेना हो आपका सब लकड़ी का है, हर चीज लकड़ी का मेड है। सो हे गाइस, एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, सो कोई ना, अब मेरे को लग रहा है ये ब्लॉग यहीं पे फिनिश करना पड़ेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए चिक चिक बूम फायर, फैला दो इस वीडियो को, फैला देना आग की तरह फैला देना, ठीक है। बाय बाय।